दोस्तों, जब बात स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की आती है, तब बहुत ही कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शांति से क्लास में बैठे रहते हैं। वरना 70% स्टूडेंट्स के स्कूल का आधा समय तो मजाक मस्ती में ही निकल जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इतने अव्वल दर्जे के मस्ती खोर होते हैं कि वो अपने कारनामे क्लास तो क्या, एग्जाम में भी नहीं छोड़ते और आंसर शीट को ही शरारत का मैदान बना लेते हैं। जिसके बाद हमें ऐसी ऐसी मजेदार आंसर शीट्स देखने को मिलती है जो रोते हुए इंसान को भी हंसा देगी। तो चलिए रूबरू कराते हैं आपको कुछ ऐसे ही फनी आंसर शीट से। माना हिस्ट्री के बोरिंग चैप्टर्स किसी को पसंद नहीं होते, पर लगता है कि स्टूडेंट को हिस्ट्री से कुछ ज्यादा ही नफरत थी। जिसके चलते जब हिस्ट्री के टेस्ट में इससे पूछा गया कि ताजमहल किसने बनवाया था, तब इसने उसके जवाब में शाहजहां की जगह बड़े मजेदार ढंग से ठेकेदार लिख दिया, जिसे देख इसकी टीचर भी भड़क गई और उन्होंने इसे क्लास के बाद ऑफिस में मिलने को कहा। वैसे यार बात गलत नहीं है, क्योंकि ताजमहल बनाने का ठेका तो किसी न किसी के पास ही होगा ना। ऐसी कलाकारी वही स्टूडेंट्स करते हैं जिनका क्लास में जरा भी मन नहीं लगता। गजब स्टूडेंट है यार, मतलब क्लास में मन नहीं लग रहा तो बुक के ऊपर ही ड्राइंग बना डालो। इस स्टूडेंट की ड्राइंग तो फिर अलग ही लेवल की है। जरा देखो तो कैसे इसने अपनी कलाकारी दिखाते हुए बुक पर अपने महान साइंटिस्ट को लड़कियों की तरह मिनी स्कर्ट पहना डाली, जो वाकई में काफी मजा किया है। अब आप और हम इसे देख कर जरूर हंस रहे हैं, पर अगर गलती से भी इसकी टीचर ने इसे देख लिया होगा ना, तब तो इसे जरूर मार पड़ी होगी। कल से पढ़ेंगे। इन दोनों लड़कों का इस तरह से हंसना कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब बात पढ़ाई की आती है तब बहुत ही कम लोग होते हैं जिनका पढ़ाई में मन लगता है। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो रोज डिसाइड करते हैं कि चलो आज एंजॉय कर लेता हूँ, कल से स्टडी करूंगा, पर सच्चाई तो यह है कि उनका वो कल कभी नहीं आता। अब एक और स्टूडेंट की कलाकारी देख लीजिए, जिसने क्लास में मन ना लगाने के चलते अपनी बुक पर अपना हुनर दिखा दिया, और हुनर भी ऐसा कि किसी को भी हंसी आ जाए। गजब स्टूडेंट है यार, पिछले वाले ने तो सिर्फ लड़कियों जैसे कपड़े पहने थे, मगर इस स्टूडेंट ने तो कपड़ों के साथ साथ लड़कियों जैसी चोटियां भी बना डाली, जिससे बुक में बने वैज्ञानिक बिल्कुल लड़कियों जैसे ही लग रहे हैं। इस स्टूडेंट ने तो सच में मौज करा दी भाई। सही बात है, ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ कोई बैक बेंचर ही कर सकता है। जरा देखिए तो इस खुराफाती सी हरकत को। इसके टीचर को लगता होगा कि ये क्लास में बुक खोल कर पढ़ रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि जनाब बुक से पढ़ नहीं रहे, बल्कि उस पर उन्होंने खुराफाती कारनामे दिखा रहे हैं, जो देखने में वाकई बहुत मजा किया है। किसी बुद्धिमान ने कहा है कि स्कूल और सिनेमा दोनों को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए, यानी कि कभी भी स्कूल में किसी फिल्म से इंस्पायर होकर हीरो नहीं बनना चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होता है। ये स्टूडेंट स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरा के सामने किसी मूवी का सीन रिक्रिएट कर रहा था और सोच रहा था कि इतने से काम के लिए थोड़ी ना टीचर ऐसे सजा देंगे, लेकिन हुआ उसका उलट, क्योंकि ये कैमरा में रिकॉर्ड हो गया और बाद में स्टाफ रूम में इसको जमकर डांट पड़ी। क्या हीरो बनेगा रे तू। मैथ्स के स्टूडेंट्स की बात ही निराली होती है, यानी कि यार दुनिया के सबसे खुराफाती स्टूडेंट्स हमें मैथ के एग्जाम में ही देखने को मिलते हैं। अब इन महाशय को ही देख लो, जिसे एग्जाम में टीचर द्वारा एक इक्वेशन सॉल्व करने को दी गई थी, पर वो क्या था कि इसे मैथ्स आती नहीं थी, जिसके चलते इसने क्वेश्चन की नकल उतारते हुए ऊपर क्वेश्चन में दिए इन्फिनिटी के साइन को 8 समझ लिया और उसी को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर में 1/(x-5)=5 लिख दिया। मैथ के एक सुरमा से रूबरू होने के बाद अब जरा दूसरे सुरमा से भी रूबरू हो लो, क्योंकि ये तो पहले वाले सुरमा से भी खतरनाक है। जब किसी स्टूडेंट को एग्जाम में मैथ का कोई सवाल नहीं बनता, तब वो कम से कम उसे करने का ट्राई तो करता है, फिर चाहे उसका सोल्यूशन गलत सलत क्यों ना हो। मगर ये स्टूडेंट तो और भी अव्वल दर्जे का निकला और इसने सोल्यूशन अटेम्प्ट ना करते हुए अपनी आंसर शीट पर एक डायनासोर बना दिया, जो क्वेश्चन को खा रहा है और फाट मारते हुए सोल्यूशन बाहर निकाल रहा है। भले इस स्टूडेंट ने पूरा सोल्यूशन ना लिखा हो, पर मानना पड़ेगा इसकी क्रिएटिविटी कमाल की है। गंगनम स्टाइल सॉन्ग तो आप सभी ने सुना होगा और आप ऐसे कई लोगों ने तो उस पर डांस भी किया होगा, लेकिन क्या आपने किसी स्कूल की बुक में गंगनम स्टाइल देखा है? अगर नहीं देखा तो अब देख लो। दरअसल एक नमूने स्टूडेंट ने क्लास में बोर होते हुए बुक पर अपनी कलाकारी दिखा दी और बुक पर बने दो चित्रों को कुछ इस प्रकार का रूप दिया कि देखने पर ऐसा लग रहा है मानो ये दोनों ही गंगनम स्टाइल गाने पर डांस कर रहे हो। इसे कहते हैं कला। क्या आप सभी को मालूम है इंटरनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, और क्या आप बता सकते हो कि पेट्रोल को हिंदी में क्या बोलेंगे? अगर नहीं बता सकते तो जरा इस पेपर पर नजर डालो, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे इंग्लिश शब्दों का हिंदी नाम लिखा है जिनके बारे में हम आज तक जानते नहीं थे। इंटरनेट को अंतरजाल बोला जाता है, कंप्यूटर को संगणक,
पेट्रोल को शिला तेल, एम्बुलेंस को रोग वाहिनी और बल्ब को बिजली का लड्डू। सच में जिस स्टूडेंट ने भी ये हिंदी नाम लिखे हैं वो पक्का बहुत ही बड़ा जीनियस है, वरना हमारा तो इस तरह ध्यान ही नहीं जाता। ड्राइंग में तो हर स्टूडेंट का मन लगता है, पर शायद स्टूडेंट का कुछ ज्यादा ही मन लगता है। तभी तो उसने एग्जाम में ही अपनी ड्राइंग स्किल्स दिखा दी और बीच आंसर शीट पर चित्र बना डाले जो देखने में काफी मजाकिया थे। एक दूसरे एग्जाम में तो इस खुराफाती ने एक निंजा बना डाला और लिख दिया कि निंजा 100% से कम मार्क्स को रोकेगा। जिसके बाद कॉपी चेक करने वाले टीचर ने भी इसकी फिरकी ले ली और इसे 30 में से 30 मार्क्स दे डाले। स्टूडेंट को 0 मार्क्स तो मिले ही होंगे, साथ ही आंसर शीट में बकवास करने पर मार भी पड़ी होगी। एग्जाम में क्वेश्चन आता कि जिसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना था, लेकिन स्टूडेंट ने उसे सॉल्व नहीं किया बल्कि उसके नीचे आंसर में लिख दिया कि ये वर्क बहुत ज्यादा है, जिसके चलते टीचर इससे नाराज हो गए और उन्होंने आंसर को मार्क करके गुस्से में सीरियसली लिख दिया। भाई साहब, से स्टूडेंट ही मजाक मस्ती नहीं करते बल्कि कभी कभी टीचर्स भी स्टूडेंट के मजे ले लेते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो इस आंसर शीट को देखो। दरअसल जिस टीचर ने इस आंसर शीट को चेक किया है वो स्टूडेंट को दुखी करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे कुछ इस प्रकार से नंबर दिए कि वो देखने में काफी अच्छा लगे। वैसे तो इसके नंबर 50 में से 7 आए हैं, पर टीचर ने 7 को √49 लिख दिया है, जिससे कि दोस्तों के सामने इसकी बेइज्जती नहीं होगी। हे भगवान, स्टूडेंट्स का भला सोचने वाले ऐसे टीचर्स हर किसी को मिले। साइंस के स्टूडेंट्स भी कम टोपीबाज नहीं होते और ये आंसर शीट उसका जीता जागता उदाहरण है। दरअसल एग्जाम में ह्यूमन बॉडी का डायग्राम बनाने के लिए आया था, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायमस ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पैंक्रियास, ओवरी और टेस्टिस को भी लोकेट करना था, मगर ये स्टूडेंट तो नमूना था और इसे घंटा कुछ नहीं आता था, इसलिए इसने अपनी ड्रॉइंग स्किल्स का सहारा लिया और अजीब से राक्षस और इंसान बना दिए और उन पर इन सभी ग्लैंड्स को दर्शा दिया, जो देखने में काफी मजेदार लग रहा था। अब मजेदार भले ही लगे, पर इसकी टीचर ने आंसर शीट देखी होगी ना तो वो पक्का आग बबूला उठी होगी। पाकिस्तान का मजाक तो हर कोई बनाता है, पर यार एग्जाम के दौरान पाकिस्तान की गिल्ली शायद ही किसी ने उड़ाई होगी। स्टूडेंट को मानना होगा क्योंकि इसने टीचर को गुस्से की परवाह किए बिना बेझिझक अपना आंसर लिख दिया। एग्जाम में प्रश्न आया था कि भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखो, तब स्टूडेंट ने आओ देखा ना ताओ और जवाब में पाकिस्तान का मजाक बना दिया। इसने लिखा कि भारत के 4 पड़ोसी देश हैं चीन, बांग्लादेश, नेपाल और बिखारिस्तान। वैसे तो आंसर टेक्निकली बिल्कुल सही है, पर एग्जाम के लिहाज से सही नहीं, जिसके चलते इसके टीचर ने आंसर गलत कर दिया और इसे कहा कि अपने पेरेंट्स को स्कूल लेकर आना। मेरे हिसाब से तो ये बच्चा पक्का रिपब्लिक भारत देखता होगा, वरना छोटी उम्र में ऐसा ज्ञान बहुत ही कम लोगों के पास होता है। तो दोस्तों, ये थे एग्जाम्स में स्टूडेंट्स द्वारा दिए गए कुछ फनी आंसर्स। आपको इनमें से कौन सा आंसर सबसे ज्यादा फनी लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।